फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव अदमपुर में रंजिश के चलते गोलियां चल गईं, जिसमें ग्राम प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। एक युवक भानु प्रताप की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुवार की रात करीब 10 बजे गांव आदमपुर में गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। गोलीकांड में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों के नाम है ग्राम प्रधान जगमोहन यादव, भानु प्रताप और पुष्पेंद्र। ये सभी घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार भानु प्रताप नामक युवक की हालत गंभीर बनी हुई। इस पूरी घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये कैसे घायल, कैसे हुए, क्या हुआ है? हम आ रहे थे फुकवा वहाँ से, पापर इन्होंने हमको घेर लिया। कौन लोग थे? हमारे गांव के लोग थे, दो लोग फुकवा वाले थे, दो एक लोग नाम पते हैं क्या? नाम है ना ओम प्रकाश। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये थी, पैदान की लड़ाई चली आ रही थी पहले से। क्या लगी है चोट, क्या कैसे, क्या हुआ है, क्या क्या मारा, क्या है? उन्होंने घेर के फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, हम उतरे तेजी फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। और कितने लोग आए हैं? और बस मेरे भाई हैं, बड़े वाले। क्या नाम है? थाना मक्खनपुर क्षेत्र में सर एक व्यक्ति को गोली लगी है, क्या मामला है सर? देखिए, आज रात्रि 10 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति भानु प्रताप हैं, जो आदमपुर के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली लगने की सूचना है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल व्यक्ति को तत्काल जो है अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे जो है आगरा रेफर कर दिया गया है। और पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि उसी के गांव के रहने वाले 3 लोगों ने जो है उस पर फायर किया, जिसमें उसको ये गोली लगी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनमें से एक व्यक्ति ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो है घायल व्यक्ति ने अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर प्राप्त किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इस उसी के अनुसार जो है आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। जो भी तथ्य सही होंगे उसको प्रकाश में लाकर इस मामले का जो है निस्तारण। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।